तो बोले जो लोग प्रतिमा शिवरात्रि व्रत का पालन ना कर सके, हर महीने में शिवरात्रि मन ही बोले ना, तो वे केवल एक बार महाशिवरात्रि व्रत विधि पूर्व करना है तो उन्हें बाहरों मास की शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। पर थोड़ा सा नियम होगा, हर वर्ष हम इस नियम को बताते हैं, ये मतलब भक्त मतलब व्रत लेने वाले करने जाए ना करने जाए वो जाने जाने। तो बोले चारों वर्णों के लोगों को आप क्या वर्ण कर सकते हैं, ब्राह्मण ले सकते हैं और ना ले सकते हैं, सभी के लिए मतलब एक समान है, सभी ले सकते हैं। और इसमें बोले स्त्री और पुरुष का विचार भी नहीं है, ऐसा नहीं कि पुरुष लेता और स्त्री ना लेती, स्त्री भी ले सकती है पुरुष भी ले सकता है, दोनों मतलब जाति दो है हमारी, एक स्त्री एक पुरुष है। और फिर अपने जिले के बने बोले ना बनावटी काम, तो बोले इन दोनों जातियों में दोनों ले सकते हैं। इस व्रत के अधिकारी हैं, महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठ करके सबसे पहले शिव जी का ध्यान करना चाहिए, यदि हम व्रत व्रत तो बोले उसका शंकर भगवान का ध्यान करना है, तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, तो नित्य क्रिया क्या है हमारी, अपने नित्य क्रिया से संध्या वंदन आदि जो करते हैं वो करे। और उस दिन क्या करना है, अगर तिलक लगाते हैं मतलब चंदन की, तो उस दिन चंदन का नहीं भस्म का तिलक लगाते हैं, क्योंकि विभूति जो है शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। और कहते हैं पता है वो विभूति कौन होती है, वो शमशान की विभूति होती है, शंकर भगवान को शमशान की विभूति बहुत प्रिय है, तभी तो शमशान के मालिक बने, नाचे भी तब भी है ना। तो त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला भी धारण करनी चाहिए, पूरी दान से गाड़ा मदान को रुद्राक्ष का दान भी लगाना चाहिए। उस समय पूर्वाभिमुख बैठ कर ये मंत्र भी पढ़ना, ये मंत्र शीघ्र ही करता है ना, शिवरात्रि व्रतंग हेतंग हेतंग हंग महाफलम निर्विघ्न मस्तु ये चात्र त्वत प्रसादा जगद्पते। हे शंकर भगवान, इसके पश्चात आपका व्रत जो है मैं पूरे संसार की मतलब प्रसाद रूपी मतलब ग्रहण करूँगा, कि पूरे संसार में मुझे सुख मिले। इसके पश्चात अगर हो सके तो रुद्र अष्ट अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, शिव मय मन का भी स्तोत्र कर सकते हैं, ना तो शिव चालीसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ना कर सके ना, तो बोले व्रत के दिन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये तो सुन लो छह तक रहा ओम नमः शिवाय, ये जाप बोले अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने में दिक्कत भी नहीं है, सबसे सूक्ष्म उपाय बताया ये मतलब बीज मंत्र है शंकर भगवान जी का, इस मूल मंत्र का उच्चारण भी करें तो सब फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात जितनी सामर्थ्य और श्रद्धा हो उतना पाठ कर लें, फिर धूप दीप नैवेद्य तथा बिल पत्र से पूजा करके उस दिन का उपवास रखें। जो लोग असमर्थ हों व्रत रखने में, व्रतोपवास ना कर सकें, वह कम से कम रात्रि जागरण तो अवश्य कर ही सकते हैं, व्रत नहीं है मतलब ना, तो रात्रि जागरण तो कर सकते हैं, हम रात्रि जागरण करने में असमर्थ हो जाते हैं, बोंद है ना, और जुराना जाने पे लोग जान जान नंबर पार्ट को लगा हुआ है क्या बेचना है ना, तो ऐसा मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। देखो एक साल के बाद ये शिवरात्रि आएगी, भक्त लोगों याद रखना समय को, समय का भरोसा कोई ना, कब पलटी मार जाए, किस समय ये ब्रख दे देगा पता नहीं। इस साल की शिवरात्रि हम बैठे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दूसरे मास की जो दूसरे साल की आएगी ना, क्या पता है भुआ ना कितने चले जाते हैं, तो मन हो रही शिवरात्रि पूजी ना, तो ऐसा कि अगर समय मिल जाता है ना। हरिओम, तो चल गया, चलो जाना है, सब जाना है भाई, दिन आएगा तो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रात्रि जागरण तो कम से कम अवश्य कर लें। जो शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं वे साक्षात शिव रूप बन जाते हैं, जो विधि विधान से पूजा पाठ से करना वो तो साक्षात शिव रूप हो जाते हैं ना।
और रात्रि जागरण में रात्रि के चारों पहरों में शिवलिंग की बेलपत्र से एवं जल से पूजा भी कर लेनी चाहिए। जागरण की तो पूजा करें, यहाँ तो शंकर भगवान का मंदिर है, चल लेना चाहिए तो पूजा कर लेना चाहिए। शेष समय शिव कीर्तन एवं भगवान शंकर के ध्यान में व्यतीत करना चाहिए अथवा ओम नमः शिवाय का जाप तो करते ही रहना चाहिए। भजन नहीं शिवाय माने माने भी सकता है तो ऐसा बोले शंकर भगवान की रात्रि का व्रत करना चाहिए। तो अब जो है कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव की महिमा सुन करके एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शंकर